दोस्तों अभी लाइव मार्केट चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। टाइम हो चुका है 3:17, 3:17 का टाइम हो चुका है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट अपडेट बताना था, इम्पोर्टेंट लेवल बताने हैं। तो इसलिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा, क्योंकि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसलिए आपका लॉस ना हो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इंट्राडे का चार्ट है, निफ्टी का 5 मिनट का। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं स्क्रीनशॉट डाला था, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्यों यहाँ पर हमने टॉप पर सेलिंग किया। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रही थी, और यहाँ से इसने ये बेस बना रहा था और ऊपर गया। बट यहाँ से 5 मिनट में देखोगे कि ये क्लियरली रेड कैंडल बनी और ये इसको यहाँ पर डबल टॉप बना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंट्राडे में ये अपने प्रीवियस नेक लाइन को नहीं ब्रेक कर रहा था, जैसे यहाँ ब्रेक नहीं किया यहाँ, बट यहाँ पर इसने जैसे ब्रेक किया कैंडल बनी वन साइडेड, और देखिए वन साइड हमें फॉल देखने को मिला। दूसरा आप इसका लॉजिक ये था कि आप देखोगे इसमें आप वन डे चार्ट पर भी देख सकते हो, तो डेली के चार्ट पर आप देखोगे कि निफ्टी का भी 16400 का इम्पोर्टेंट रिस्टेंस लेवल है। ये जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, एक अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक आपको ऊपर की साइड में एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। और बाइंग करनी है तो नीचे के लेवल पर कीजिए, 16000 के आसपास मैंने आपको कैंडल बोला है, बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर। ये है जो ये लो बना है, आप देखिए 3 डेज यहाँ पर लो बना था, तो ये करीब लो है 15700 का। तो 15700 के नीचे अगर क्लोजिंग देगी तो आपको नीचे मार्केट में एक काफी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, और अगर 16400 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 16400 के पास अभी अग्रेसिव बाइंग ना करें, यहाँ पर सिर्फ सेल के लिए देखें। और मार्केट में आपने देखा होगा कि अभी कभी गैप अप कभी गैप डाउन हो जाता है, तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी ज्यादा ना करें, बिल्कुल स्टॉप लॉस रिस्क कम होना चाहिए आपका। और जब आप देखें इंट्राडे में आप एनालिसिस करते हैं तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ता है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए देखिए ये फायर सीमेंट का काउंट बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। क्योंकि इसमें आपको ये देखिए आपको ये जो ट्रेडिंग व्यू पर नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख सकते हो। तो ये देखिए मल्टीपल में आप अगर एनालिसिस करते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, अगर आप एक साथ चार स्क्रीन शॉट भी लगा सकते हो, और सॉरी चार स्क्रीन। तो ये देखिए ये बैंक निफ्टी का भी आपको मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये देखिए हमने बैंक निफ्टी का स्क्रीन शॉट टेलीग्राम में डाला था। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो मैंने अपने व्हाट्सएप पेड मेंबर को दिया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो डबल टॉप बना और नेक लाइन को ब्रेक किया, और अगर 10 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे 10 मिनट का चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलता, ये फायर्स पे ही आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप फायर डीमैट में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि हम 1 मंथ में के लिए आपको फ्री में वहाँ पर अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, या मुझे अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे व्हाट्सअप करें। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के चार्ट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 मिनट के चार्ट पर मुझे क्लियरली इंडिकेशन दिखा, 5 मिनट पर भी बैंक निफ्टी पे इंडिकेशन दिखा, और 15 मिनट पर भी देखिए क्लियरली है, और 10 मिनट में आप देख सकते हो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज है 21 डेज की, इसको भी ब्रेक कर रहा था, इसको भी ब्रेक किया। और इसमें भी आप डेली के चार्ट पर देखिए कि 21 डेज की मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये प्राइस एक्शन में भी आपको ये सेम बता रहा है कि 3400 के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। और तो बिल्कुल ये देखिए आपको एक साथ कई सिग्नल मिल रहे थे यहाँ पर, इसलिए मैं मॉर्निंग में वेट कर रहा था इस लेवल पर आए, और इस लेवल पर आकर अगर सेलिंग का सेटअप दिखाई देता है बिल्कुल यहाँ रिस्क कम था, ये हमारा स्टॉप लॉस था। ये देखिए ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता तो आप एग्जिट हो जाते, ये स्टॉप लॉस था, बिल्कुल ये स्टॉप लॉस था। और ये टारगेट बिल्कुल मेरा ये बड़ा टारगेट था, मैं आपको टारगेट ये बड़ा हमारा टारगेट था, यहाँ पर आपको मैं टारगेट भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये टारगेट था, ये टारगेट एरिया था, ये हमारा टारगेट आ गया, हम निकल गए। उसके बाद मार्केट में हम कोई कैरी पोजीशन नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट कैरी पोजीशन करना काफ़ी रिस्की हो रहा है आजकल। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि रिस्क बिल्कुल कम था, तो रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करें। तो जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखिए एनालिसिस करते हो, तो क्योंकि आपको डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, 5 मिनट पर भी आपको सेटअप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सेटअप नेक लाइन ब्रेक हो रही है, डबल टॉप बन रहा है, 10 मिनट 15 मिनट पर भी सेम, तो आप ट्रेड ले सकते हो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी आपको सेम ही है कि नीचे के लेवल पर ये रेंज है इसकी, देखिए 33,000 और ऊपर है 34,800, तो ये रेंज है इसके 34,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा बैंक निफ्टी, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए तभी ये फिर 36,000 और 37,000 तक जाएगा, अदरवाइज ये फिर नीचे आ जाएगा 33,000 के आसपास। 33,000 के आसपास अग्रेसिव सेल ना करें उसके नीचे, क्योंकि ये देखिए अगर 32,000 का लेवल है ये 32,000 के नीचे, तब आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल ये अभी मार्केट जो 33,000 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और 34,800 के पास रेजिस्टेंस, अभी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, इसके बाहर जब निकलेगा तब आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो का डिस्क्लेमर भी यही है कि मैं सिर्फ आपको लर्निंग के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ, तभी आप किसी भी पोजिशन में एंट्री करें ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे, अदरवाइज आप ऐसे सिर्फ ये मत सोच के लगाएं कि मार्केट काफी ऊपर आ गया सेल कर दे, नीचे काफी मार्केट है तो बाय कर लें, या मार्केट ग्रीन में है तो बाय कर लें, रेड में है तो सेल कर दे, ऐसा नहीं। आपके पास सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफी कुछ सीखने मिला होगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे शॉर्ट में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें ऐसे आप रेगुलर वीडियो अपडेट किया करें, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।